हाय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले दो वीडियोज में हमारा चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसे जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा कैसे कैसे सीड का सिलेक्शन होगा, कैसे फिर उसे सोन करने के पहले कैसे कैसे उसे केयर करेंगे, वो हमें गुड अमाउंट में या गुड क्वालिटी में प्रोडक्ट देगा। तो आइए, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, यानी न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक रिप्लेसमेंट किस में, मिट्टी में, क्यों, ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होंगे वो मिल सकेंगे। इसलिए तो जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल। तो देखिए, सॉयल जो है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, सॉयल जो है ये मिनरल जो भी होता है और न्यूट्रिएंट होता है इसे वो सप्लाई करता है कहाँ, प्लांट्स में, के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, क्योंकि प्लांट्स हम लोग जैसा, हम ह्यूमन बींग जैसा या एनिमल जैसा कोई सॉलिड थिंग्स तो खा नहीं सकता है, इसलिए सॉल्यूबल फॉर्म में इसे ट्रांसफर करता है। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन फार्मर ग्रोज क्रॉप इन द सेम यील्ड ईयर आफ्टर ईयर। इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है, किसी फार्मर का अच्छा होता है, किसी का वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिस कारण एक ही साल हर साल वो उगाते हैं, तो जो कंटिन्यू क्रॉप्स का ग्रोइंग होता है वो सॉयल को डिफिशियंट बना देता है कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स में। तो इसी को पूरा करने के लिए, इसी जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे पूरे करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट होता है कहाँ, सॉयल में। तो इसके दो तरीके बताए गए हैं, नेचुरल मेथड ऑफ रीस्टोर सॉयल फर्टिलिटी। यहाँ देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ सॉयल फर्टिलिटी, नेचुरल मेथड है, एंड दूसरा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आइए पहले नेचुरल मेथड से कैसे होता है, नेचुरल मेथड में हम देखते हैं। इसमें नेचुरल मेथड में जो फर्टिलिटी है सॉयल का, वो नेचुरली जो सब्सटेंस हम बांटते हैं उससे जाकर ये करते हैं। एंड पहला है फैलोइंग। तो फैलोइंग क्या होता है, इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। फैलोइंग जब होगा तो क्या करेंगे कि फैलोइंग जब होगा तो इसमें हम उस लैंड को अनकल्टिवेटेड यानी किसी भी तरह के क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं करेंगे। कब, कुछ सीजन के लिए, एक सीजन हो या अनेक सीजन हो, उसके लिए हम इसमें नहीं करेंगे। एंड इस फैलोइंग में क्या होता है, जब इसे हम सिर्फ खाली छोड़ देते हैं यानी उस भूमि पे हम कुछ भी नहीं उगाते हैं, तो डिकम्पोजिशन जो होता है माइक्रोब्स वो बच जाता है, मतलब कि जो होता है वो रीगेन हो जाता है जिसकी कमी होती है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो है वो मेथड है किसका, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप का। क्रॉप रोटेशन जो है वो मेथड है डिफरेंट क्रॉप का अल्टरनेटली ग्रोन करने का, कहाँ, ऑन द सेम फील्ड, एक ही खेत में अल्टरनेट, यानी एक ईयर में एक क्रॉप और सॉरी एक सीजन में एक क्रॉप और दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप। यानी कि मान लीजिए पहले सीजन में अगर हमने गेहूं की खेती की है तो दूसरे सीजन में हम वहीं दाल का पौधा लगा देंगे, लेगुमिनस प्लांट लगा देंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट जो होता है उसमें ये देखिए, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, रूट्स कैसे होते हैं इसके, नोड्यूल्स होते हैं, गांठ पड़े होते हैं इनके रूट्स में, जिसके इसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इसमें एक बैक्टीरिया रहता है। देखिए यहाँ नाम राइजोबियम, क्लास सेवेंथ में आपने पढ़ा है राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। जो ये बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है,
हम लोग पढ़े हैं कि जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए, इस बैक्टीरिया, हम पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, इस चैप्टर में ही पढ़े हैं पीछे, कि जो नाइट्रोजन की कमी होती है प्लांट्स को वो यही करता है, यही बैक्टीरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। कैसे करता है? तो ये जो होता है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है अपने साथ, जब अपने पास लेता है, तो क्या करता है, उसको नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में तोड़ देता है। उसके बाद ये उसको प्लांट में सॉल्यूबल होके, प्लांट्स अपने मतलब कि घुल जाता है प्लांट्स पानी के साथ, और तब जाके प्लांट्स इसको रूट्स के थ्रू खुद में ले लेता है, फिर उसकी जो डिफिशियंसी होती है वो पूरी हो जाती है। एंड तीसरा आता है मिक्स क्रॉपिंग। तो हमने दो देख लिया, तीसरा इसका टाइप देख लेंगे, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? टू और मोर देन क्रॉप्स को एक ही साथ उगाना इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग में भाई कोई पूछेगा ना कि क्यों दो क्रॉप्स को एक ही साथ उगाते हैं, तो देखिए इस मिक्स क्रॉपिंग का फायदा ये होता है कि जो एक क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो अदर क्रॉप पूरा कर देता है। जैसे कि सोयाबीन के प्लांट को और गेहूं के प्लांट को एक ही बार बो देंगे, तो व्हीट के प्लांट को जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी वो सोयाबीन के प्लांट से लेके पूरा कर लेगा इन द सेम फील्ड। और कैसे कैसे फील्ड में उगाएंगे? एक ही तरह के, एक ही जगह पे, मतलब कि एक ही जगह के फील्ड पे उगाएंगे तभी तो लेके देगा। तो एक और एग्जांपल दे रहा है, एक ने बताया जैसे वीट और सोयाबीन के प्लांट को, दूसरा यहाँ दे रखा है कॉटन एंड ग्राउंड नट, लेगुमिनस क्रॉप। देखिए ग्राउंड नट को भी दे रहा है, लेगुमिनस क्रॉप, दलहन पौधे जिसके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम। एंड दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो दो तरीका था, तो पहला था नेचुरल एंड दूसरा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर वही खाद का उपयोग करके, मैन्यूरिंग बोलते हैं उसको, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर में, सॉरी, जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करके उगाते हैं क्रॉप्स को, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग। दिस सब्सटेंसेस इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये मेंटेन करता है, इनहेंस करता है, मेंटेन करता है किसके? सॉइल की फर्टिलिटी को। पहला मैन्योर, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, धनी होता है, मतलब कि उसके पास प्रॉपर अमाउंट में उतना न्यूट्रिएंट्स होता है जितना किसी पौधे को या उस मिट्टी को जरूरत है। ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोब्स। जो भी प्लांट सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, सड़ाया गलाया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। उससे क्या तैयार होता है? मैन्योर। फिर मैन्योर के बाद आता है एक टॉपिक कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है ये तैयार किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक एनिमल एक्सक्रीटा, फैसल्स मैटर एंड ह्यूमन बींग सीवेज, वेस्ट, वीड्स, ड्राई। जो भी नेचुरल तरीके के वेस्ट होते हैं, जैसे फिसेस दे रखा है, फैसल्स दे रखा है, एक्सक्रिएटा दे रखा है, मैटर ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है, और सी वैश, जो भी समुद्र का कचरा होता है, जो सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं वो भी मिट्टी में दब जाते हैं, उनका भी डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट पिट में, इसको तैयार किया जाता है। और जिस प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? कंपोस्टिंग। देखिए यहाँ दे रखा है कंपोस्टिंग। तो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि इसको कंपोस्ट को, यह जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। जहाँ जो कहाँ पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर? जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसमें पाया जाता है कौन सा मैटर? ऑर्गेनिक मैटर। टू प्रोड्यूस मैन्योर कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बट नॉट इन सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है कंपोस्ट, तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में होगा। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो इसमें नहीं होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसके लिए हम दलहन पौधे यहाँ लगाते हैं ना, रूट नोड्यूल्स वाले, यहाँ लेगुमिनस्तान। उसके बाद फॉस्फोरस, पोटेशियम, ग्रीन मैन्योर, मैन्योर का एक टाइप है ग्रीन मैन्योर। कुछ फसल बता रहा है, बानिया, ग्रोन इन फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। बोने के, उसके जड़ को बोने के पहले, किसी भी प्लांट के जड़ को बोने के पहले ये ग्रीन मैन्योर जो है
इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, देन प्लॉस्ड बैक, हम लोग पढ़े थे ना, कभी पहले डाल दिया जाता है कभी बाद में डाल दिया जाता है, उसके बाद इसकी जुताई कर दी जाती है, किस में, मिट्टी में। द सीडलिंग्स आर यंग, जब इसके सीडलिंग्स बड़े होते हैं, दिस प्लांट डिकम्पोज इन सॉयल, ये खुद प्लांट जो होते हैं सॉयल के अंदर दब के डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड इंक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी, और सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉयल इरोजन एंड लीचिंग, सॉयल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, इसे बोलते हैं सॉयल इरोजन। और देखिए फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जो होता है वो ह्यूमन मेड, हम लोग द्वारा, हम लोग इंसानों द्वारा बनाया जाता है, कैसे, सब्सटेंस को यूज करके, केमिकल सब्सटेंस है, रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक और एक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में, जो उससे नहीं मिलेगा, जो ऑर्गेनिक से नहीं मिलेगा वो फर्टिलाइजर से मिलेगा। जैसे उसमें नाइट्रोजन नहीं मिल रहा था, तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन भी मिल जाएगा प्लांट को, फॉस्फोरस भी मिल जाएगा और पोटेशियम भी मिल जाएगा। देखो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में, यहाँ कुछ नाम दिया है, जैसे नाइट्रोज, जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होंगे उनको बोलेंगे नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, उसका नाम है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, इसकी मैं अभी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फिर जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स होंगे उनको बोलेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, तो इसका नाम है सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, एंड जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स होंगे उनका नाम होगा पोटेसिक फर्टिलाइजर, लाइक पोटास, पोटेशियम सल्फेट, और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन के नाइट्रोसल्फेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ आइए, हम कुछ फॉर्मूलाज लिख देते हैं, उसे आप देख लेंगे। जैसे ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला, इसे आप याद रखेंगे, इसका यूज आपको बार बार आएगा, सेवेंथ में भी आया है और अब भी आएगा। तो आइए, जैसे मैंने यूरिया का फॉर्मूला लिख दिया, वैसे देखिए K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला आप देख लेंगे K2SO4, और इसी तरह और भी फॉर्मूला है जो आपको मेटल एंड मेटल केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। चलिए फिर, हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो क्या है, देखिए अब एडवांस दे रहा है, किसका, मैन्योर का, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ऑर्गेनिक मैटर से तैयार किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मैन्योर तैयार होता है, उसका क्या क्या फायदा है ये दे रखा है, वो कहीं फर्टिलाइजर से कंसिडर किया गया है, अच्छा है मैन्योर, क्योंकि वो नेचुरली, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो नेचुरली सब ऑकर्ड सब्सटेंस होते हैं, उनसे हम बनाते हैं इसे, तो इसका क्या क्या है, क्यों ये मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा है, क्यों, तो देख लीजिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल को बढ़ाता है,
वाटर अगर कम कर रहा है तो इसके यूज से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, और सॉयल जो है उसको सॉयल परसर मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजी, ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज बना देता है। तीसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉयल फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो सॉयल फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनका नंबर ये इंक्रीज करता है, क्योंकि ये इसका डिकम्पोजिशन होता है तो बैक्टीरिया द्वारा ही तो होता है, तो को ऐसा बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो सॉयल के लिए हेल्पफुल होता है, सच लाइक उसके एज ए फ्रेंड काम करता है, तो इसमें भी वो इसका हेल्प करता है, इस टेक्सचर ऑफ सॉयल को बढ़ाने में मदद करता है, उसमें ह्यूमस टू सॉयल, ह्यूमस ऐड करता है नमी, आई मीन ह्यूमस सॉरी, इज नॉट एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता है एंड कैन बी इजिली प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म, जो हमारे फार्म में जो वेस्ट मतलब कचरा होता है इसके डिकम्पोजिशन से ये बन जाता है, डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इसके वेस्ट से किसी तरह का वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिनके आधार पे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसे। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर अच्छा फैक्ट्री में बनाया जाता है लेकिन उसका जो है डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न जो हमारा फार्मिंग है वो लगभग पूरा डिपेंड है किस पे, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसका एक्सेसिव यूज जो होता है, अगर ज़्यादा किसी चीज़ का हम यूज करेंगे तो वो खराब होता है, तो कैसे होता है, ये तो क्रॉप यील्ड को बढ़ा देता है यानी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, बट वेन फर्टिलाइजर गेट वाश्ड ऑफ थ्रू इरीगेशन एंड रेनफॉल, इरीगेशन से या रेनफॉल से जब इसका छिड़काव हुआ रहता है, कैसे कि फर्टिलाइजर और हेल्प करता है, कैसे ये सॉल्यूबल होता है तो ये पानी में इजली घुल जाता है, जिसके कारण हम इसे स्प्रे कर सकते हैं, जब ये वाश्ड ऑफ यानी हम जब रेन से या इरिगेशन सिस्टम से इसको ये हट जब पानी छींटते हैं या उस पर पानी आता है प्लांट पे, तो जब ये हट जाता है दे रिच टू द वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड लेक्स, तो पानी के साथ मिलता हुआ या तो नदी में जाता है या झील में जाता है, एंड केमिकली तैयार किया गया फैक्ट्री में, तो इट्स नेसेसरी कि ये वाटर पॉल्यूशन करेगा ही करेगा, जिसके कारण क्या वाटर पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ना वो तो हम ह्यूमंस यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं ना एनिमल्स यूज करते हैं, प्लस जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको सांस लेने में इससे तकलीफ होती है, क्योंकि वो कौन सा गैस लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी डिजॉल्व हो जाता है उसमें, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, इट इवन किल्स द एक्वेटिक एनिमल, यहाँ दे रखा है। देखो ये फर्टिलाइजर जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको गलाया नहीं जा सकता है, ऑल्सो कॉल्ड सॉयल पॉल्यूशन, तो जहाँ अगर मिट्टी में हम रख देते हैं मिट्टी में जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी को लॉस करता है, सॉयल पॉल्यूशन कर सकता है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइड एंड यूज ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोट, फर्टिलिटी की सॉयल को अगर हमको मेंटेन करना है तो फर्टिलाइजर का जितना कम से कम यूज हो सके एंड मैन्योर का यूज हमें बढ़ाना होगा। चलिए फिर इरिगेशन दे रखा है, व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाई इट इज, देखिए इरिगेशन क्या करता है, सप्लाई ऑफ वाटर, किसी किसी प्लांट को देखते हो कि ज्यादा पानी, देखते हैं कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी किसी को कम पानी की जरूरत होती है, तो वाटर का सप्लाई करना क्रॉप्स प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन, देखिए नेचुरली जो सोर्स है वाटर का प्लांट को या ह्यूमन को वो है रेन, लेकिन प्लांट को किसी किसी प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, तो मान लीजिए जिस साल बारिश नहीं हुई उस साल क्या करेंगे, तो इरिगेशन सिस्टम द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम प्लांट्स को पानी देते हैं, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, तो आइए इरिगेशन, वाटर जैसा हम सभी जानते हैं वाइटल वाइटल रिक्वायरमेंट का सब्सटेंस है हम सबके लिए, प्लांट का नियरली 90% वाटर होता है अपने में, वो 90% पानी ही रखता है फॉर देयर सर्वाइवल, ह्यूमन एनिमल या प्लांट सबके लिए वाटर सर्वाइवल के लिए चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, कौन से कारण है, तो देखिए प्रॉपर ग्रोथ में वाटर हेल्प करता है,
डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फूल को बनने में, फ्रूट को बनने में, एंड सीड्स ऑफ द प्लांट, सीड में भी ये रहेगा तभी तो बनेगा। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स, प्लांट कैसे वाटर लेता है, तो रूट जो जड़ होता है पौधे का, जो जड़ होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। क्योंकि प्लांट्स जो है, बार बार बता रहा हूँ कि सॉलिड रूप में तो ले नहीं सकता है, तो उसे कौन घुलाएगा भाई, नेचुरल सॉल्वेंट है वाटर, वाटर इज नेचुरल सॉल्वेंट, ऐसा पानी ऐसा चीज़ है जिसमें जिसमें हर कुछ घुल सकता है, पेट्रोल नहीं घुलेगा यार, तेल नहीं घुलता है पानी में। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, जो मिनरल्स जो होते हैं रिक्वायर्ड, और फर्टिलाइजर्स भी बताया मैंने, फर्टिलाइजर्स भी इजीली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, तो सॉल्वेंट होता है तो कर देता है। एंड देखिए यहाँ, वाटर इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हेल्प करता है, कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसका काम आता है, शुरू में मैंने बताया था, वाटर डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को भी घुला लेता है, प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, फ्रॉस्ट और हॉट एयर का जो करेंट होता है उससे वजह सप्लाई ऑफ क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए रेनफॉल जो है उसको बता रहा है मेन सोर्स ऑफ, सिंस वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन रेनफॉल, सही बात है, मॉनसून में अगर मान लीजिए रेन नहीं होता है तो इरिगेशन सिस्टम का हेल्प हम लोग ले सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम से हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये डिपेंड करता है इरिगेशन में, नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉयल पे करता है, एंड सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज, कैसा सीजन है उसका ये भी करता है। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, अब इरिगेशन के कुछ टाइप हैं, पहला है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, जो फसल के आधार पर इरिगेशन होता है, तो बता रहा हूँ किसी को, किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, जैसे चावल के पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए, वहीं जो गेहूं का पौधा होता है उसे कम पानी चाहिए। एंड दूसरा देखो सॉयल बेस्ड इरिगेशन, ये इरिगेशन जो है वो मिट्टी पे भी निर्भर करता है, इन विच क्रॉप इज ग्रोन, सैंडी सॉयल्स नीड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, जो बालू टाइप की मिट्टी होगा, बालुई मिट्टी जिसको बोलते हैं सैंडी सॉयल, उसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन, क्योंकि बालू ज़्यादा जल्दी पानी सोखता है इसलिए, और उसमें ज़्यादा जल्दी इरिगेशन की जरूरत होगी, ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी उसका पुअर होता है। एंड क्ले सॉयल नीड्स लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन, क्ले सॉयल का होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है सैंडी सॉयल, इसलिए इसमें थोड़ा कम भी चलेगा। सीजन बेस्ड इरिगेशन तीसरा होता है, जो सीजन मौसम पे बेस्ड होता है, मौसम पे आधारित होता है, समर्स में जो बोया जाता है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज द रेट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा होता है इसका, तो इवापोरेशन रेट जो है, पानी जो सूखने की कैपेसिटी है वो ड्यूरिंग समर सन के स्कॉर्चिंग सन के कारण बढ़ी हुई होती है, जिसके कारण जो गर्मी में प्लांट्स लगाए जाते हैं उनकी उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट जो ठंडे में लगाए जाते हैं, ठंडे वाले कम को थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा। अब देखिए यहाँ कुछ ये दे रखा है, बार बार मैं बता रहा था, लेगुमिनस प्लांट हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉयल, लेगुमिनस प्लांट जो है हेल्प करता है रिप्लेसमेंट ऑफ सॉयल में, किसके, किस चीज़ के, नाइट्रोजन के, यहाँ बी लगाएंगे आप। बिफोर सोइंग सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड से कर देंगे क्योंकि उस पर कीड़े नहीं लगेंगे। ट्रेडिशनल क्रॉप मेथड कौन सा नहीं है, तो ये आप बना लेंगे ये सब। फ्रीक्वेंट इरिगेशन जो होगा वो सैंडी सॉयल में जरूरत होता है, इसमें राइस जो होगा उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, देखिए वो जो थे हम लोग पढ़े वो ओल्ड मेथड थे, और मॉडर्न मेथड भी इरिगेशन में लाया गया, पहले हमने इरिगेशन पढ़ा, इसके मॉडर्न मेथड भी लाया गया उसमें दे रहा है, जो नए नए लाए गए, पहला होगा ड्रिप सिस्टम, दूसरा होगा स्प्रिंकल सिस्टम, पहला क्या होगा ड्रिप सिस्टम एंड दूसरा होगा स्प्रिंकल सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम होल्स इन पाइप अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट पोजीशन ऑफ द रूट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक छिद्र के माध्यम से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिराना, कहाँ, सीधे नीचे मतलब जड़ के पास गिराना, इसी को कहते हैं ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद करके पानी उसके जड़ में सीधे पहुंचाना, इसी को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। वाटर इज नॉट वास्टेड एट ऑल, जिसमें इसमें पानी कभी बेकार नहीं जाएगा,
दिस सिस्टम ऑल्सो सेव्स वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, जो वाटर का लॉस हो जाता है इवापोरेशन में, सीधे उसके जड़ गिराएंगे तो वो जो इवापोरेशन से वाटर लॉस होता है वो भी नहीं होगा। स्प्रिंकल सिस्टम, इन ए स्प्रिंकल सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स यूजिंग ए स्प्रिंकल, फुहारा टाइप का बना के पानी को इस पे मारा जाता है। देखिए उसके बाद द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जो होते हैं पाइप्स उसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ऑन ऑन द टॉप कॉल्ड स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स के टॉप पे मतलब ऊपर। स्प्रिंकल द स्प्रिंकल्स आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइन होता है उसको इसे जोड़ दिया जाता है। एट द रेगुलर इंटरवल्स पंप्स आर फिटेड इन दिस, और इसमें फिट किया जाता है। चलिए फिर आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे और अपनी स्टडी ऑनेस्टली करेंगे। देखिए अपने प्रति ऑनेस्टी बरतिए, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, जो भी ये दिख रहा है आप उसे बना लेंगे। आप रेगुलरली पढ़िए, जो भी दिक्कत होगा उसे आप पूछ सकते हैं। या एक और काम, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वो आपको सॉल्व होता हुआ मिलेगा। और एक बुक्स अवेलेबल हैं बुक शॉप पे। किस पे? तो बुक्स अवेलेबल हैं आपकी, आप बुक्स ले सकते हैं। बुक लिस्ट भी स्कूल में अवेलेबल है, स्कूल के नंबर पे आप बात कर सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं कि अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें क्या क्या पढ़ते हैं।